हेलो फ्रेंड्स, तुमन कुकिंग स्टाइल में आज बन रही है डोडा बर्फी, जिसे मैं उसी चीज़ से बनाने जा रही हूँ जो हर हफ्ते आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। जी हाँ, मलाई से। बस आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपकी मलाई का टेस्ट खट्टा ना हुआ हो। अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं हुआ होगा तो आप इसे बड़ी आसानी से बहुत टेस्टी बना सकती हैं। तो बस प्रोसेस वही है, आपको सबसे पहले घी निकाल लेना है और इस मिक्सचर को अलग से निकाल के रख लेना है और वापस से इसे डाल दीजिए पैन के अंदर। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं तवे पर रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स आटा। इस तरीके से ब्राउन कर लेना है इसे। अब इसे बनाने के लिए भुना हुआ आटा, ग्रेट किया हुआ नारियल, ये ऑप्शनल है, और शुगर, और हाफ कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क। अब इसे पैन में गर्म कर लीजिए फिर से। और सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें डाल दीजिए मिल्क और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसे आपको अच्छे से चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये नीचे चिपक ना जाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब डाल दीजिए इसके अंदर रोस्ट किया हुआ आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, ये बनना शुरू हो गया है, आप इसकी लुक देख सकते हैं, डोडा बर्फी के जैसा लगना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल दीजिए ग्रेट किया हुआ नारियल और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसे, ये देखने में बिल्कुल डोडा बर्फी जैसा लग रहा है। और अब इसे एक प्लेट में सेट करके रूम टेम्परेचर पर 1.5 से 1 घंटे तक रख दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। और फिर गार्निशिंग के लिए डाल दीजिए इसके ऊपर नारियल ग्रेट किया हुआ और फिर इसमें चाकू से कट लगाकर इसके बर्फी शेप में इसे काट लीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी डोडा बर्फी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।